गो। ठीक है गाइस, तो अब हम बेटे एपी का सवाल कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल 10, उसने बोला है कि सो दैट द सीक्वेंस फॉर्म्स एन एपी, मतलब प्रूव करो कि ये जो सीक्वेंस है वो एक एपी है, और इसी को करने के चक्कर में हम आपको पूरा लॉजिक पढ़ा दिए। क्लियर और नॉट? चलो ठीक है, कोई नहीं, सवाल बहुत इजी है, इसको करने के लिए बस एक ही उसका एक ही फॉर्मूला चाहिए था, पूरा लॉग पढ़ लिया, कोई नहीं। चलो तो सीक्वेंस को हमें दिखाना है कि एपी है। बेटे ये सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है? बेटे इसका फर्स्ट लॉग टर्म क्या है? लॉग है ना, मतलब T1 इज इक्वल टू लॉग ए। सेकेंड टर्म इसका क्या है भाई? लॉग ए स्क्वायर बाय बी हाँ, लॉग ए स्क्वायर बाई बी। थर्ड टर्म क्या है भाई? लॉग ए क्यू बाय बी स्क्वायर हाँ, ए क्यू बाई बी स्क्वायर। अच्छा, फोर्थ टर्म क्या है? लॉग ए टू दी पावर फोर। लॉग ऐसा करके सो ऑन है ना, सो ऑन आगे डॉट, मतलब ये एक पैटर्न है, पैटर्न है, इसी फॉर्मेट में आगे गया है, तो हमें इसको एपी दिखाना है भाई। एपी होने के लिए कोई भी टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना कॉन्स्टेंट होना चाहिए। चाहिए। जरा आप पर सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करके देखो, T2 माइनस T1। T2 क्या है बेटा? लॉग ए स्क्वायर बाई बी माइनस लॉग। फॉर्मूला याद करो, अभी जस्ट पढ़ के आया थे ये वाला, सेकंड वाला फॉर्मूला, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू क्या होता है बेटे? लॉग एम बाई यस एन। क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? हाँ, सर। तो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होगा? लॉग एम बाई एन निकालो, क्या होगा ये? लॉग ए लॉग भी ए स्क्वायर बाई बी। लॉग लॉग ए भाई भी हाँ, समझ रहे हो ना मेरे बात? दिस डिवाइड यस सर। बाई ए, तो ये क्या हो जाता है? लॉग ए बाई बी। क्लियर और नॉट? यस सर यस अच्छा, सर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या आता है? थर्ड टर्म क्या है? द लॉग लॉग ए क्यू बाई बी स्क्वायर सर माइनस सेकेंड टर्म क्या है? लॉग ए स्क्वायर बाई बी हाँ, तो डिवाइड माइनस करेंगे, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या हो जाएगा? सर लॉग एम एम डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर हाँ, मतलब क्यू बाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बी बाई सर बी। स्क्वायर बाई बी करो डिवीजन, करो। लॉग ए लॉग ए बाई बाई बी बी। यस सर हाँ, लॉग ए बाई बी सेम आ तो क्या आ रहा है बेटे? देखो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लॉग ए बाई बी, थर्ड टर्म ए माइनस बाई सेकेंड बी टर्म इज ऑल्सो लॉग ए बाई बी, मतलब कोई भी टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म है कांस्टेंट आ रहा है, और वो कांस्टेंट क्या आ रहा है? लॉग ए बाई बी आ रहा है। यू गेट इट लॉग और ए बाई नॉट? बी तो बेटे यस हियर, सर तो बेटे हियर T2 T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 एंड सो ऑन, आगे भी वही होगा। देयरफोर सी द सीक्वेंस इज एन एपी, है ना? द सीक्वेंस यस सर इज एन एपी, एंड इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है बेटे? लॉग ए बाई बी, लॉग एप ए बाई बी ए बाई बी। वेरी गुड। अच्छा बेटे, इस एपी का एनथ टर्म, इस एपी का एनथ टर्म वो तो हम निकाल सकते हैं, वो तो हम फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन टू डी, लेकिन पैटर्न देख के भी निकालना सीखो, पैटर्न देख के भी एनथ टर्म निकालना सीखो बेटे। इसका फर्स्ट टर्म लॉग ए, सेकेंड टर्म लॉग ए स्क्वायर बाई बी, थर्ड टर्म लॉग ए क्यूब बाई बी स्क्वायर है, ऐसे करके एनथ टर्म क्या हो रहा होगा? लॉग ए बाई ए टू द ए पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई बी टू द पावर एन हाँ, तो एन प्लस एनथ टर्म पूछ रहा हूं, तो एनथ टर्म में ए का पावर एन प्लस वन, तो ए का पावर एन ही होगा। हाँ, लॉग एन ए टू द पावर एन बाई बी टू द एन माइनस वन। बेटे चेक कर लो, पहला जो टर्म है लॉग ए जो है ना, लॉग ए को मैं लिख सकता हूँ लॉग ए बाई बी टू द पावर जीरो, ये ए स्क्वायर बाई बी, ये ए क्यू बाई बी स्क्वायर, मतलब देख रहे हो बेटे, सब में बी का पावर ए का पावर से एक कम है ना? इधर ए का पावर वन, बी का पावर जीरो, इधर ए का पावर टू, बी का पावर वन, ए का पावर थ्री, बी का पावर ए का पावर से कम है। और बेटे देखो, फर्स्ट टर्म में ए का पावर वन है, सेकेंड टर्म में ए का पावर टू है, थर्ड टर्म में ए का पावर थ्री, ऐसे करके
इसी पैटर्न से पता चलता है कि nth टर्म में होगा log a का पावर, वही n रहेगा क्योंकि फर्स्ट टर्म में a का पावर 1, सेकंड टर्म में a का पावर 2, तो ऐसा करके nth टर्म में a का पावर n, एंड हमेशा b का पावर a का पावर से एक कम। ए यू गेट इट और नॉट? यस यस सर। वेरी गुड। तो ये था उस लॉग वाला सवाल का जवाब निकालने के लिए, इतना सब पढ़ लिए। ठीक है, अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम कितना हो गया? टाइम भी और है ना, और है ना। यस सर। अच्छा ठीक, अच्छा ये वाला सवाल देखेंगे, लेकिन ये वाला सवाल देखने से पहले हम आपको इनइक्वालिटी का कुछ छोटा मोटा रूल बताएंगे। अब इनइक्वालिटी एक चैप्टर है आपका, लीनियर इनइक्वालिटी एक चैप्टर है जिसको सेकंड टर्म में रखा गया है, सेकंड टर्म में वो आएगा, तो फर्स्ट टर्म में लीनियर इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन उसका जो छोटा छोटा चीज यहाँ पर चाहिए होगा वो मैं आपके सामने डिस्कशन कर देना चाहता हूँ, ठीक है ना, इसको करने के लिए, ताकि उस टाइम में भी आपको कॉन्सेप्ट याद आए। बेटे दीज क्वेश्चन आर नॉट इन एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, तो इसका पहला वाला, तो कुछ कुछ क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के बाहर भी कर रहे हैं, तो ताकि आपको मतलब थोड़ा सा मतलब एग्जाम्पलर लेवल का सवाल भी करने का आपको मतलब एबिलिटी आ जाना चाहिए, क्लियर और नॉट? नहीं तो खाली एनसीईआरटी सवाल करने से मजा नहीं आता है। यस सर। ओके अच्छा यस सर। बेटे देखो, लीनियर इन मतलब इनइक्वालिटी, पहले इनइक्वालिटी चीज होता क्या है? इनइक्वालिटी बेटे, इनइक्वालिटी इक्वालिटी का उल्टा होता है, ठीक है? इक्वालिटी का उल्टा क्या होता है बेटे? इनइक्वालिटी। अरे समझ रहे हो? क्लियर? यस सर। अभी यस इक्वालिटी का सिंबल होता है इक्वल, है ना, ऐसा सिंबल होता है। अभी इनइक्वालिटी का चार चार सिंबल है, क्या है? एक लेस ध्यान, एक ग्रेटर ध्यान, मतलब दो सिंबल पहले मैंने बोल दिया, और तीसरा सिंबल लेस देन और इक्वल टू, चौथा सिंबल ग्रेटर देन और इक्वल टू। समझ लो बेटे, अगर दो एक्सप्रेशन के बीच में आप खाली इक्वल सिंबल दिए हो, मतलब दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, तो उसको हम बोलते हैं इक्वालिटी। क्या बोलते हैं? इक्वालिटी। क्लियर? इनइक्वालिटी कब बोलते हैं? यस सर। लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन राइट वाला एक्सप्रेशन से छोटा है, लेस देन, लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन राइट वाला एक्सप्रेशन से बड़ा है, ग्रेटर देन, लेस, लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन इज लेस देन और इक्वल टू राइट वाला एक्सप्रेशन, मतलब लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन राइट वाला एक्सप्रेशन से आइदर छोटा है या फिर उसके साथ इक्वल है। मेरे पास समझ रहे हो? इसमें लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन राइट वाला एक्सप्रेशन से आइदर बड़ा है या फिर उसके साथ इक्वल है। मेरे पास समझ रहे हो? एंड इन दोनों को हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं इन दोनों को? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और इन दोनों को बोलते हैं हम स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वालिटी मतलब यहां पर आइदर लेस देन और इक्वल, यहां पर आइदर ग्रेटर देन और इक्वल। तो मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गाइस, 3 इज लेस देन 5, ट्रू और फॉल्स? यस सर। ट्रू। 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। वेरी गुड। अरे ये तो करके आया ना, ये अरे तो करके आया ना, हाँ सेट में कर रहे थे ना, अरे लेस देन और इक्वल दिया है ना, आइदर लेस देन और इक्वल, दोनों में से जो एक होगा वो सही होगा, क्लियर और नॉट? अगर लेस देन होगा सही होगा, अगर इक्वल होगा सही होगा, तो यहाँ पर इक्वल सही नहीं हो रहा है, लेकिन लेस देन तो सही हो रहा है ना, लेस देन और इक्वल टू, है ना, और एंड नहीं और, क्लियर और नॉट? हाँ एवरीबॉडी गेट इट? 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू बिकॉज लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन नहीं हो रहा है लेकिन इक्वल तो हो रहा है ना, एवरीबॉडी गेट इट? वेरी गुड। 5 इज इक्वल टू 5, ट्रू। 5 इज लेस देन 5, फॉल्स। यू गेट योर नॉट? तो ऐसा होता है। तो ये क्या है बेटा? ये इक्वालिटी है। ये क्या? इक्वालिटी। लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन राइट वाला एक्सप्रेशन से इक्वल है, ये सब इनइक्वालिटी, क्लियर और नॉट? ये सब क्या है बेटा? इनइक्वालिटी। ठीक है, अब बेटे इनइक्वालिटी का कुछ रूल होता है बेटे। पहले तो रिकॉल करेंगे इक्वेशन हम स्कूल में कैसे सॉल्व करते हैं।
बेटा सपोज फॉर एग्जाम्पल लिखा है ए इज इक्वल टू बी, इट इज एन इक्वेशन, इज एन इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन है कि नहीं भाई, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, क्लियर। यस सर। अब इसके रूल्स क्या क्या थे, हमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या क्या रूल हम फॉलो कर लेते हैं, कर रहे थे, उसको पहले रिकॉल करते हैं। पहला रूल क्या था बेटे, ना इक्वेशन का दोनों साइड में आप सेम नंबर ऐड कर सकते हो, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर और नॉट। ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, अरे अगर ए इज इक्वल टू बी तो इक्वेशन के दोनों साइड में मैं सी ऐड कर सकता हूँ, कुछ सेम रहेगा, यू गेट इट और नॉट। यस सर। यस सर। रूल नंबर टू, इक्वेशन के दोनों साइड से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यू गेट इट और नॉट। रूल यस सर। नंबर थ्री, इक्वेशन के दोनों साइड में कोई भी सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी था, मैं दोनों साइड में सी मल्टीप्लाई कर सकता हूं और वैल्यू चेंज नहीं होगा, मतलब इक्वेशन सेम रहेगा, गेट इट और नॉट। हेलो। यस सर। रूल नंबर फोर, इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नॉन नेगेटिव नंबर डिवाइड कर सकते हो, मतलब ए इज इक्वल टू बी था आपका इक्वेशन, मैं दोनों साइड में सी डिवाइड कर सकता हूँ, बट कीप इन माइंड जो डिवाइड करे हो दोनों साइड में वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, ओके, जीरो डिवाइड नहीं कर सकते बोथ साइड में, क्लियर और नॉट। इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नॉन जीरो नंबर में डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये चार रूल थे ना बेटे इक्वेशन के, याद आया, ये चार रूल इसी को फॉलो करके आप इक्वेशन सॉल्व किया यस सर। करते थे, अरे समझ रहे हो, यस सर। क्लियर। हाँ बेटे बिल्कुल इसी तरह इनइक्वालिटी का भी ऐसे चार रूल है, इनइक्वालिटी का भी ऐसे चार रूल है, इनइक्वालिटी रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी में सिंबल आपका लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है। तो मैं तो आपको हर बार ये चारों लेके नहीं दिखाऊंगा, तो इनमें से कोई एक में ले रहा हूं, तो आपको समझ जाना है रूल सबके लिए है, क्लियर और नॉट, सबके लिए रूल है, ठीक है ना, मैं एक लेके आपको दिखाऊंगा, गेट और नॉट। यस सर। ए इज लेस देन बी, इट इज अ इनइक्वालिटी, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पर लेस देन यूज कर रहा हूँ और रूल लिखूंगा चार रूल, तो लेस देन के लिए भी है, ग्रेटर देन के लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ठीक है। तो पहला रूल बेटा, पहला दोनों रूल इक्वेशन के तरह यहाँ पर भी सेम है, पहला दोनों रूल इक्वेशन के तरह यहाँ पर भी सेम है बेटा, जैसे हम इक्वेशन के दोनों साइड में सेम चीज ऐड कर पा रहे थे एंड सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर पा रहे थे और इक्वेशन चेंज नहीं हो रहा था, इक्वेशन वही का वही रह रहा था, यहाँ पर भी वही होगा। इन इक्वेशन के दोनों साइड में ए लेस देन बी है, मैं दोनों साइड में सेम नंबर ऐड कर सकता हूँ, इन इक्वेशन वही का वही रहेगा, एंड रूल नंबर टू भी उसका वही है कि दोनों साइड में सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ और इन इक्वालिटी चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, 5 इज लेस देन 8, राइट, यस सर। यस सर। मैं दोनों साइड में कोई एक सेम नंबर ऐड कर रहा हूँ बेटे, दोनों साइड में सेम नंबर ऐड करेंगे, ठीक है ना, दोनों साइड में सेम नंबर ऐड करेंगे बेटे, देखो इन इक्वेशन वही का वही रहेगा, सेम नंबर सर, टू ऐड करो, है ना, दोनों साइड में टू ऐड करो, वही लेस देन ही तो रहेगा, 7 तो 10 से लेस ही रहेगा ना, अरे समझ रहे हो, 7 इज लेस देन यस 10 सर। और नॉट। दोनों साइड से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करो, अरे वही तो सेम रहेगा ना, 3 6 से छोटा होता है कि नहीं होता है, हेलो, गेट इट और नॉट, क्लियर और यस सर। नॉट। हाँ तो इन इक्वेशन के दोनों साइड में हम सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और कोई चेंज नहीं होगा, क्लियर और नॉट। लेकिन इसका जो थर्ड एंड फोर्थ रूल है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने वाला रूल बेटे। हमारे पास यहाँ पर ए इज लेस देन बी गिवेन है, राइट, ये गिवेन है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, 5 इज लेस देन 8, राइट, अच्छा यस सर। दोनों साइड में आप एक सेम पॉजिटिव नंबर डिवाइड करो, सेम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो, सेम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करो, टू मल्टीप्लाई करो,
इनइक्वालिटी वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? चलो वही रहेगा। सेम। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा दोनों साइड में के नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करके देखो। अब बताओ इनइक्वालिटी सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? ये है माइनस टेन, ये है होगा माइनस सिक्सटीन। माइनस टेन माइनस सिक्सटीन में कौन बड़ा होता है? -10। माइनस टेन मतलब उलट जाएगा। अरे देख रहे हो कि नहीं? अरे देख रहे हो कि यस सर, नहीं? यस सर, यस सर। तो इंटरेस्टिंगली इनइक्वालिटी के दोनों साइड में अगर आप सेम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी सेम टू सेम रहता है, वही लेस देन रह रहा है। लेकिन अगर एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दिए तो लेस देन क्या हो जाता है बेटे? ग्रेटर देन, मतलब रिवर्स हो जाता है सिंबल। एवरीबॉडी गेट इट? आर यू गेट इट? यस सर, यस सर। हाँ। तो उसी तरह बेटे अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन देता, ठीक है ना, तो अगर दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंबल वही का वही रहेगा, लेकिन नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सिंबल रिवर्स हो जाएगा। लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। क्लियर और नॉट? यस सर, तो बेटे यहाँ पर ए लेस देन बी यस है, सर। दोनों साइड में मैं अगर सी मल्टीप्लाई करता हूँ तो सिंबल सेम रहेगा, कब ना, व्हेन सी इज पॉजिटिव। क्लियर और नॉट? लेकिन दोनों साइड में सी मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये सिंबल लेस देन उलट के ग्रेटर देन हो जाएगा, कब, व्हेन सी खुद नेगेटिव नंबर। यू गेट इट और नॉट? जब नेगेटिव नंबर दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा। अरे समझ रहे हो, ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा। क्लियर और नॉट? अच्छा यस आप बोलोगे सर अगर इक्वल जीरो मल्टीप्लाई करें, अभी जीरो मल्टीप्लाई करें तो इक्वल हो जाएगा दोनों साइड, सर, इनइक्वालिटी थोड़ी ना रहेगा, तो जीरो मल्टीप्लाई नहीं करते इनइक्वालिटी के दोनों साइड में। यू गेट इट नॉट? हाँ यस सर। अच्छा, बिल्कुल सेम टू सेम बेटे रूल, आप घर में इसको एक्सप्लोर कर सकते हो बेटे। अगर इनइक्वालिटी का दोनों साइड में सेम पॉजिटिव नंबर डिवाइड किए, वही सेम है, अगर बेटा दोनों साइड में सेम पॉजिटिव नंबर सी सी डिवाइड किए तो इनइक्वालिटी का सिंबल वही रहेगा इफ सी इज पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर एक नेगेटिव नंबर डिवाइड किए, अरे समझ रहे हो, अगर एक नेगेटिव नंबर डिवाइड किए तो सिंबल रिवर्स हो जाएगा। क्लियर और नॉट? इफ सी इज लेस देन जीरो तो ये सिंबल रिवर्स हो जाएगा। गेट इट और नॉट? क्लियर? यस क्लियर? सर, ओके। यस सर। तो चलो ये सवाल को करते हैं, जो कि फालतू मतलब ये सवाल को करने के लिए बस उसका पहला दो रूल ही काफी है, तो चलो करते हैं, ठीक है। अच्छा सवाल क्या दिया समझ लो। सवाल है कि फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस। ये एक सीक्वेंस आपको दे रखा है और ये सीक्वेंस का फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है ना। देखिए आप, अच्छा आप एक इंटरेस्टिंगली आप एक चीज देख लो बेटे कि सीक्वेंस देखो बेटे घटता जा रहा है, बेटे देख लो घटता जा रहा है, देख रहे हो कि नहीं? ये 2000, यस सर, फिर 1995, 1990, अरे सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस में टर्म्स का वैल्यू कम होता जा रहा है, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कॉमन नेगेटिव। डिफरेंस इसका क्या है, नेगेटिव है ना। तो ये सीक्वेंस आगे चल के घट घट के जीरो, फिर मतलब नेगेटिव नंबर भी हो जाएगा, अरे समझ रहे हो ना, धीरे धीरे करके घट घट रहा है। क्लियर और नॉट? वैल्यू घट रहा है, बहुत सारे टर्म्स के बाद ये नेगेटिव भी होने लगेगा। क्लियर और नॉट? हाँ। यस सर, तो हमें इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म का वैल्यू निकालना है, मतलब ये जो घट रहा है तो कहाँ पर सबसे पहले ये नेगेटिव टर्म आता है वही निकालना है ना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म इसका हमें निकालना है। अच्छा पहले तो ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं जरा चेक कर लो, चेक कर लो आप, यस एपी है। अरे आप देख लो इसका फर्स्ट टर्म सर, 2000 है, और से कोई भी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करो बेटा आपका -5 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, सो यस इट इज एन एपी। ये तो पहले एस्टैब्लिश हो गया कि ये एक एपी है, दिस सीक्वेंस इज एन एपी, नहीं तो जीपी हो रहा होगा और आप फॉर्मूला लगा रहे होगे एपी का, अरे समझ रहे हो, तो एपी है। यस सर, और मानो इसका nth टर्म नेगेटिव है, फर्स्ट हमें पूछ रहा है ना इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, मानो इसका nth टर्म नेगेटिव है, मानो इसका nth टर्म नेगेटिव है,
तो बेटे nth टर्म अगर नेगेटिव है मतलब tn इज लेस देन 0, अरे मेरे बात समझ रहे हो, tn इज लेस देन 0, nth टर्म नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। अच्छा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है रे, a प्लस एन माइनस -1 into d। इज लेस देन 0। मैं दोबारा बोलता हूँ, मानो सपोज इस सीक्वेंस इस एपी का nth टर्म नेगेटिव है, तो बेटे tn इज लेस देन 0 मतलब a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज लेस देन 0। a का वैल्यू क्या है 2000, d का वैल्यू क्या है -5, देख रहे हो, दिस इज लेस देन 0, अरे समझ रहे हो, दिस इज लेस देन 0, लेस देन 0 यस मतलब सर, नेगेटिव, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ तो यस बेटे सर, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो आप बोल रहे हो कि सर हम तो स्कूल में इक्वेशन सॉल्व करते थे, अब इन इक्वेशन भी सॉल्व करोगे, क्लियर और नॉट, हायर क्लासेस में इन इक्वेशन भी सॉल्व करोगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो बेटे ये यस सर, 2000 प्लस एन माइनस वन इंटू -5, बेटा -5 को अंदर लेके मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा -5n, और ये प्लस फाइव। -5 इंटू +5 है ना, और ये 2000 है, तो 2000 और ये +5 मिलकर क्या हो जाएगा 2005 है ना, और ये -5n, तो -5n प्लस 2005 इज व्हाट, लेस देन 0, अरे समझ रहे हो कि नहीं, लेस यस देन 0। सर, तो बेटे इक्वेशन में जैसे कर रहे थे इन इक्वेशन में भी वैसे करेंगे बेटे, -5n को उस साइड में अगर ले जाओगे तो पॉजिटिव होके जाएगा, -5n इस साइड में है तो उस साइड में लोगे तो +5n होके आएगा, तो क्या होगा 2005 इज लेस देन +5n, अरे समझ रहे हो, अरे -5 उस यस साइड में सर, जाएगा, तो 2005 इज लेस देन 5n, तो उल्टा करके अगर लिखे तो 5n इज ग्रेटर देन 2005, अरे समझ रहे हो कि नहीं, टू यस सर, थाउजेंड फाइव 5n से लेस है तो 5n 2005 से ग्रेटर है, अरे समझ ना, उल्टा कर देख लो, इसको आप कैसे लिखते 2005 इज लेस देन 5n, तो उल्टा करके लिखे तो 5n इज ग्रेटर देन 2005 का, नहीं वही लिखा हूं मैं। अच्छा अब यस बेटे सर, देखो, अभी जस्ट एक रूल पढ़ के आए कि इन इक्वेशन के दोनों साइड में सेम पॉजिटिव नंबर डिवाइड करने से सिंबल वही रहता है ना, लेकिन नेगेटिव नंबर अगर डिवाइड करे तो सिंबल रिवर्स हो जाता है, तो मैं दोनों साइड में 5 डिवाइड कर रहा हूँ, किसको डिवाइड कर रहा हूँ रे, 5 डिवाइड कर रहा हूँ, क्लियर और नॉट, और 5 क्या है बेटा, एक पॉजिटिव नंबर है तो वही ग्रेटर देन ही रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा, तो 5 डिवाइड करो, इस साइड में 5 डिवाइड करो तो खाली एन हो गया, और इस साइड में 5 डिवाइड करो तो क्या हो गया रे, ये क्या हो जाता है 401, तो क्या आता है एन इज ग्रेटर देन 401, एवरीबॉडी गेट इट, क्लियर यहां तक, यस सर, हेलो। यस सर, तो बेटे इसको सॉल्व करके हमें क्या मिला फाइनली, एन ग्रेटर देन 401, और इसका क्या अचार बनाएंगे अभी देखेंगे, अरे मेरे बात समझ रहे हो, इसको सॉल्व करके क्या आया एन ग्रेटर देन 401, तो हमने लिए थे इसका nth टर्म नेगेटिव है ना, हमने अस्यूम किए थे कि ले मानो ये सीक्वेंस का nth टर्म नेगेटिव है ना, तो उसको सॉल्व करके हमें मिला एन इज ग्रेटर देन 401, मतलब बेटे, और एन क्या है बेटे, एन एक नेचुरल नंबर है ना बेटे, एन क्या है टर्म का पोजीशन, अरे एन क्या है यहां पर, nth टर्म, एन है पोजीशन ऑफ द टर्म, और एन क्या है यस नेचुरल सर, नंबर होता है ना, टर्म का पोजीशन नेचुरल नंबर होता है, तो इसका मतलब जो टर्म का पोजीशन अगर 400 से बड़ा आप लोगे तो इसके जो टर्म्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, मेरा बात समझ रहे हो, nth टर्म इज नेगेटिव, उसको सॉल्व करके आपका एन क्या है बेटे ग्रेटर देन 401, मतलब व्हेन एन इज ग्रेटर देन 401 nth टर्म इज नेगेटिव, अरे मेरे बात समझ रहे हो, मतलब यस 400 एन का वैल्यू 401 से जब बड़ा होगा तो इसका टर्म्स नेगेटिव होंगे, तो मतलब 402 पोजिशन वाला टर्म वो नेगेटिव होगा, 403 पोजिशन वाला टर्म नेगेटिव होगा, 404 पोजिशन वाला टर्म नेगेटिव होगा, आगे के सारे टर्म नेगेटिव होते जाएंगे, क्लियर और नॉट एवरीबॉडी। यस सर, तो सबसे पहला कौन सा टर्म नेगेटिव होगा,
402 वाला टॉर्क। अरे समझ 400, रहे यस हो, सर, व्हाट यस अबाउट द सर, अदर्स? सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियरली यस सर, समझ में आया? तो एन का वैल्यू 401 यस जब सर, होगा तब इसके टर्म्स नेगेटिव होंगे। तो 401 के जस्ट पहले, जस्ट आफ्टर कौन सा एन का वैल्यू होता है? 402, है ना? तो इसका मतलब इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा? 402 पोजिशन वाला टर्म। यू गेट इट? हाँ, तो हमें इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म का वैल्यू निकालना है। लेकिन अब हमें क्या पता चल गया? उसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म का पोजिशन पता चल गया, जो कि 402 है। उसका वैल्यू क्या है? तो मतलब हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 402 पोजिशन वाला टर्म का वैल्यू निकालना है, मतलब 400 सेकेंड टर्म निकालना है। अरे समझ रहे हो? यस सर, यस ए सर। प्लस एन माइनस हाँ, एन डी, nth यस सर, टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन टू डी। तो 400 सेकेंड टर्म का क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लगाओगे, ए है आपका 2000 प्लस एन क्या है? 402 माइनस वन टू डी, ब्ला 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 ब्ला, वाला। यू गॉट योर आंसर? गॉट इट और नॉट? यस सर, ओके, यस तो सर, ये था कहानी। तो क्लास का टाइम भी ओवर हो गया, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, यू कैन लीव नाउ। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक वेलकम। यू सर, थैंक थैंक यू। यू।